सबसे पहले बिफोर गोइंग इन टू डाउट हम लोगों का एग्जाम नेक्स्ट वीक है चाहे एफ एम चाहे स्किल लेवल एनी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम फ्रॉम नेक्स्ट वीक इन प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम नेक्स्ट वीक बिकॉज ईसीसी हैज क्वार्टरली एग्जाम रूल तो नेक्स्ट वीक सबका एग्जाम है मैं नॉट एज अ टीचर नॉट एज अ ट्यूटर आई एम थिंकिंग फ्रॉम द माइंड ऑफ द स्टूडेंट कि अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैं एग्जाम देने वाला हूं नेक्स्ट वीक तो मेरे को क्या करना है सो दैट माई परफॉर्मेंस इन द एग्जाम विल बी वेरी गुड ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस जो मेरे एग्जाम में होने वाला है वो मेरे प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है बट इट इज नॉट दैट कि अगर मेरा प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है तो एग्जाम भी उतना ही बढ़िया जाएगा इसका हंड्रेड परसेंट रिलेशनशिप नहीं है और अगर मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है तो एग्जाम मेरा उतना अच्छा नहीं जाने वाला है ऐसा कोई हंड्रेड परसेंट को नहीं है बिकॉज यू ऑल और मैं लक में बिलीव करते हैं लक का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे तो भी नंबर आ जाएगा हम पूरा पेपर कंप्लीट नहीं करेंगे तो भी नंबर आ जाएगा इज दिस लक नो लक मीन्स ओनली टू थिंग्स एक आप पॉजिटिव रहिए चाहे आप जैसा भी पढ़े हैं जो भी लेवल पे है नीड टू बी वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक यू डोंट हैव टू साउट आपको दुनिया को चिल्लाकर बताना नहीं है हम तो ये करें मन में इफ यू आर वेरी गुड देन ऑल्सो कीप इन साइड बट बी ऑप्टिमिस्टिक बी पॉजिटिव और दूसरा अगर आप काम करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं मैं अगर क्लास नहीं दूंगा तो क्या सिलेबस खत्म होगा उसमें लक की कोई बात नहीं है लक तब काम करता है जब हम लोग वर्क करते हैं लक अपने आप वर्क नहीं करेगा तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो एग्जाम यू विल बी गिविंग इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड विच इज वेरी एसेंशियल एनीथिंग इंपॉर्टेंट वी आर डूइंग इन लाइफ वी शुड हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और दूसरा अगर आप पूरा का पूरा पेपर करके आओगे तो एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से वेदर यू आर टेकिंग क्लास विथ मी समवेयर एल्स या अपने आप पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं सबसे पहला बात है एग्जाम में पूरा सौ नंबर का पेपर करना पूरा फुल हंड्रेड मार्क्स पेपर नॉट इवन वन मार्क्स भी छोड़कर आना दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया अगर हम लोग स्किल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं एफएम एफआर पीएम टैक्स वट तीन पार्ट है पेपर में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी मैंने पहले बीस बार बोला है फिर वही बात बोल रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पहले पार्ट ए चालू करना है कि पार्ट बी की पार्ट सी आई विल बी गेटिंग थ्री आवर्स फिफ्टीन मिनट्स पंद्रह मिनट मेरे को एक बार पेपर देखने तो मिल रहा है ना फिफ्टीन मिनट्स आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा वो फिफ्टीन मिनट्स में मेरे को अपने आप को रेडी कर लेना है विथ विच आई विल स्टार्ट मैं कौन से एरिया से स्टार्ट करने वाला हूं हो सकता है पार्ट सी वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज ऑफ ट्वेंटी मार्क्स उसमें कुछ एरिया है दस बारह नंबर का जो मेरे को अच्छे से आता है हो सकता है पार्ट बी के अंदर देयर इज वन सीनारियो बेस्ड फाइव क्वेश्चन वो मेरे को अच्छे से आता है या हो सकता है पार्ट ए के अंदर देयर आर सम वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दैट आई कैन डू वेरी वेल पंद्रह मिनट में यह देखना डिफिकल्ट बिकॉज इफ आई एम द स्टूडेंट मेरे को कैसे पता चलेगा कि पंद्रह मिनट में मेरे को पहले यह करना है लेकिन आपको क्वेश्चन को नेक्स्ट 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 करके अपने आप को तैयार कर लेना है कि मेरे को फर्स्ट जब स्टार्ट करूंगा कौन सा एरिया करना है मैं अगर एग्जाम में होता इफ आई एम देअर पार्ट ए में देर आर फिफ्टीन क्वेश्चन मान लीजिए मेरे को तीन चार पांच क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट कट आता है मे बी इट इज थियोरी मे बी न्यूमेरिकल कुछ भी हो मेरे को वो एरिया बहुत अच्छे से आता है मैं एग्जाम चालू होते ही सबसे पहले वो एरिया करूंगा पार्ट बी में देर आर थ्री सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मेरे को एक पर्टिकुलर सिनारियो के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है मे बी इट इज वर्किंग कैपिटल कुछ भी हो सकता है मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज ए डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एरिया पार्ट सी में दो क्वेश्चन है कोई एक मेरे को अच्छे से आता है तो पहले एक घंटे में फर्स्ट वन आवर इज द पोर्सन विच आई नो वेरी वेल बट वेरी वेल डजेंट मीन दैट यू विल वेस्ट योर टाइम आप अगर वेरी वेल वाले में दस मिनट के बदले बीस मिनट पच्चीस मिनट तीस मिनट लगाओगे तो वेरी वेल well वाला आप गड़बड़ कर रहे हो आपको टाइम वहां बचाना है टाइम वेस्ट नहीं करना है तो वेरी वेल well मतलब इफ इट गोइंग टू टेक ट्वेंटी मिनट्स आई शुड बी एबल टू सॉल्व इन एटीन मिनट्स पहले एक घंटे में जो अच्छे से आता है वो करना है दूसरे घंटे में सेकेंड आवर आपने जब एक घंटा पेपर किया है तो आपको पता है कि ये सब मैं कर लूंगा बस थोड़ा टाइम लगेगा तो दूसरे घंटे में वो पोर्शंस जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप मैनेज कर सकते हो मोटा मोटी आप उस पर ध्यान दोगे तीसरे घंटे में जो बच गया जितना भी जहां भी जो बचा है सब कंप्लीट करेंगे लेकिन लास्ट का पांच से सात मिनट कोई भी एग्जाम है अगर सीएमए का एग्जाम है चार घंटे का एसीसीए का एग्जाम है तीन घंटे का कोई भी एग्जाम लास्ट का पांच से सात मिनट क्या करेंगे जो भी बाकी है उसको कैसे न कैसे कंप्लीट करके आएंगे कि मान लीजिए पार्ट ए में तीन क्वेश्चन अभी नहीं दिया है मैंने आंसर पार्ट बी में मैंने सिनेरियो बेस्ड वाला में कुछ छोड़ के रखा है पार्ट सी के अंदर कोई दो चार लाइन थ्योरी लिखना है किसी क्वेश्चन के बारे में पार्ट ए और बी में जय माता दी अगर आप उसको आंसर नहीं दे रहे तो जीरो है अगर आप बाई चांस आंसर दे रहे हो रॉन्ग है तो भी जीरो है लेकिन बाई चांस आपका लक फेवर में है उसी समय भगवान जी आपके साथ है अल्लाह आपके साथ है आपने जो आंसर दिया वो बाई चांस राइट हो गया लेकिन वो पॉसिबिलिटी आपने अराइज ही नहीं होने दी क्योंकि आपने उसको किया ही नहीं जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम क्यों छोड़ के आएंगे लास्ट में जो मेरे पास पांच सात मिनट था उसमें मेरे को जो मर्जी है मेरे को पढ़ना नहीं है उस टाइम पे बिकॉज इफ आई विल रीड आई विल गो ऑन द टाइम एंड टाइम में तो फटाफट द टाइम इज तो तो मैं इलेप्सिंगट तो नहीं कर पाऊंगा बुद्धि है तो भी मैं अगर हूं तो भी नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊ लेकिन मैं छोड़ूंगा क्यों छोड़ने से उस पर जीरो है गलत होने से जीरो है राइट होने का चांस ट्वेंटी फाइव परसेंट है बिकॉज वन क्वेश्चन फोर आंसर कोई एक तो राइट है ना एक राइट right होने का प्रोबेबिलिटी फोर में से पच्चीस परसेंट तो अगर आपके साथ भगवान है लक है तो आप जिसको सेलेक्ट करेंगे हो सकता है वो राइट right हो जाए नहीं भी हो तो हम एक क्वेश्चन भी छोड़ कैसे सकते हैं पार्ट सी में कोई थ्योरी एरिया है तीन नंबर का चार नंबर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है दो लाइन जो मर्जी है लिख देंगे हो सकता है नंबर जीरो ही आएगा बट हो सकता है आप दो लाइन में भी कुछ ऐसा लिख दें जिसके ऊपर आपको एक नंबर मिल जाए पार्ट सी के अंदर कोई कैलकुलेशन वाला एरिया है जो कैलकुलेशन समझ सकते हैं करे छोड़ के नहीं आए पेपर अगर छोड़ेंगे पास नहीं हो सकते ये चीज का फीलिंग हैबिट कैसे आएगा अगर मैं ये बोल रहा हूं उससे नहीं आएगा अगर आप सोच रहे हैं मैं इस बार ये करूंगा उससे नहीं आएगा केवल एक ही तरह से आ सकता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो मान लीजिए मैंने क्लास में लिया आप अपने आप दे रहे हो आप सोचो आप एग्जाम में हो आप सोचो जैसे एग्जाम में आपको तीन घंटा में पेपर कंप्लीट करना ही पड़ेगा आप उसको वैसे ही लेकर चलो मॉक टेस्ट का मतलब यह नहीं होता है कि हमने साठ नंबर का पेपर किया सत्तर का किया ये छोड़ दिया तीन घंटे के बदले चार घंटे ले लिया ये कर दिया मॉक टेस्ट मतलब ये नहीं होता है मॉक टेस्ट मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग एग्जैक्टली वॉट यू विल बी डूइंग इन द एग्जाम आप एग्जैक्टली exactly उस सिचुएशन को वहां लाना चाह रहे हैं वो सिचुएशन को आप ये मत सोचिए एग्जाम नहीं वो एग्जाम ही है बिकॉज तभी तो एग्जाम के टाइम पे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे मॉक टेस्ट करने के टाइम पे जिन लोगों ने ठीक से स्टडी नहीं किया है उनको अलग अलग फाइल खोलना एक्सेल में लिखना इधर से पढ़ना बहुत तकलीफ होती है तो जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो आपका उसके बाद स्पीड बढ़ता है आपको समझ में आता है कि भाई मेरे को ये सब चीजें ध्यान रखनी है हां मैं गलती कर रहा हूं तीसरी बात मॉक टेस्ट करने से एक पेपर के अंदर पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज होता है तो जब आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हो तो आपको खुद को समझ में आता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है नॉलेज खराब है कहां पर आपको नॉलेज ठीक से नहीं तो आप उस चीज को रिवाइज करने जाते हो ऑन स्टैंड बेसिस आप कैपिटल बजटिंग का सम कर रहे हो सेल्स है रेवेन्यू है इन्फ्लेशन है टैक्स है डेप्रिसिएशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आप जब वो चैप्टर कर रहे हो तो आप सम कर पा रहे हो लेकिन जब आप मॉक टेस्ट में जा रहे हो तो वो हो नहीं रहा है इसका मतलब आता है लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें होने से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिखता है मेरे को वो चीज को फिर से करना है। तो आप एक मॉक टेस्ट किए तो टाइम मैनेजमेंट आप एक मॉक टेस्ट ये तो एग्जाम के जैसे सोचना कि पहले ये बाद में ये पहले घंटा इजी वाला फिर ये अगर आप एक मॉक टेस्ट किए तो आपको समझ में आया कि मेरे को पेपर छोड़ना नहीं है क्या चीज पे ध्यान देना है कैसे सिस्टम को खोलना है अगर आप मॉक टेस्ट दिए और कोई भी छोड़े नहीं पूरा सौ नंबर का पेपर किए तो आपको एक फीलिंग आएगा कि सौ नंबर का पेपर ऐसे करना है अगर आप मॉक टेस्ट किए तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरा कौन सा वीक एरियाज है जिसके ऊपर वर्क करना है तो आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है और साथ में एक पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड कि आपने जो भी पढ़ाई की अब तो कुछ नहीं कर सकते दो दिन तीन दिन बाद एग्जाम अभी क्या करेंगे जो भी हमने किया है लेकिन हम उसमें बेस्ट परफॉर्म करेंगे हम एग्जाम में एकदम अच्छे तरह से जो मेरे को आता है मैं करके आऊंगा धन तो पॉजिटिव आएगा ना अगर हम निगेटिव सोचेंगे हम डरेंगे हमें लगता है हम ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े जो नहीं पढ़े वही आएगा हो सकता है आए बट ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू बी लॉजिकल इन योर लाइफ कि आपने पूरा का पूरा एफर्ट्स दिया कि नहीं।, नहीं दिया तो टेंशन नहीं है एग्जाम तो फॉर्म भर दिए ना उसी में बढ़िया करते जितना हो सकता है उसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे कि हम पास हो जाए अगर बाई चांस फेल हो गए अगर बाई चांस क्या होगा क्या होगा फेल होने से फिर तीन महीने बाद एग्जाम है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक कि अगर फेल हुए तो क्यों हुए यह बोल के कोई फायदा नहीं है सर मैंने तो पूरा किया था सर मेरा तो नंबर नम... आपने गड़बड़ की है इसीलिए आपका नंबर नहीं आया कोई आपके साथ कोई भेदभाव कोई आपके साथ गलती नहीं कर रहा कोई थ्योरी क्वेश्चन में हो सकता है कि चार नंबर में मैंने आपको दो दिया तीन मिलना चाहिए था लेकिन वो एक नंबर के लिए फेल या पास तभी हो रहे हैं जब सौ में से पचास के पास खड़े अगर हम लोग सौ में से छत्तीस चालीस ये सब हैं तो वो एक दो नंबर वैसे भी फेल पास का डिफरेंस नहीं सो दैट इज कॉल्ड गुड लक बैड लक सो इफ यू फील कॉन्फिडेंट गुड लक विल कम ऑटोमेटिकली कम तो नॉर्मली हमको ये सोचना है कि हम पास ही होंगे जितना पढ़े उस उसमें बेस्ट करेंगे और हम एग्जाम टेक्निक को फॉलो करेंगे हम एग्जाम टेक्निक 100 परसेंट एग्जाम में लगाएंगे गॉड हेल्प दोस्ट हु सारी बातें मैंने क्लासेस में करीब करोड़ बार बोली जब फर्स्ट क्लास लेता हूं तो मैं बोलता हूं प्रिंटआउट नहीं निकालना है ऑन वर्ड फाइल ऑन एक्सेल पढ़ना है बिकॉज आप सभी का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आप जैसे पढ़ते आए हैं बचपन से प्रिंट आउट निकाल के अंडरलाइन करना फिर उसके बाद अपने कॉपी में लिखना पेन एंड पेपर से उससे आपको चीज आएंगी लेकिन एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा बिकॉज हैबिट नहीं है ना जैसा हैबिट आप डेवलप करेंगे वैसा ही आउटकम आएगा तो आप अगर हैबिट डेवलप करके रखे हैं पेन एंड पेपर प्रिंट आउट निकालना अंडरलाइन करना हाईलाइट करना तो आपको एग्जाम में वो करने का मन करेगा आपको स्क्रीन पे चीजों को पढ़ने में टाइम लगेगी स्क्रीन पे आंसर देने में टाइम लगेगी वो एग्जाम के टाइम पे आप गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन या तो आप समझ गए कि मेरा इसलिए गड़बड़ हुआ या आप उस बात को समझते ही नहीं है फिर भी मेरे को क्या मजा आ रहा है आपको बोलकर कि भाई आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है। क्या मजा आ रहा है अगर आपको अच्छा लगता है प्रिंट आउट निकाल के पढ़ने में तो आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है पेन एंड पेपर से लिखना आपको वैसे ही लेकिन मेरे को पता है ये कि जितना भी इंटरनेशनल कोर्सेस है एसी सी एस सीमा कोई भी कोर्स जो ऑनलाइन बेस्ड है जो स्क्रीन बेस्ड है अगर हम शुरू से वैसे ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम में परफॉर्मेंस वो नहीं होगा जो होना चाहिए बिकॉज स्क्रीन पे देखकर पढ़ना अलग बात है कॉपी में देखकर पढ़ना अलग बात है कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है लिखना वन ए अलग बात है लेकिन स्क्रीन के ऊपर ए वाला को टिक करना अलग बात है कॉपी में आपका टाइम जा रहा है वहां टाइम नहीं जाएगा अगर ए या बी दो आंसर है तो आप नीचे कॉपी में टाइम लगेगा कोई भी पार्ट ए और बी के लिए कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाना है केवल पार्ट सी सीएमए यूएस में ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको वर्किंग दिखाना है तो आप अगर एग्जामिनर को मैंने ऐसे आंसर लाया मैं वो देख भी नहीं रहा कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर आया कैसे आपने क्या प्लस माइनस लिखा राइट right है तो दो नंबर रॉन्ग है तो जीरो नंबर बस सीधा ही है आई एम एज ए टीचर नॉट लुकिंग वट यू हैव डन द कैलकुलेशन मे बी आपका सीलिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में बोला वन डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है आपका कैलकुलेटर में आंसर आया फाइव पॉइंट 5.35. आपने आंसर लिख दिया 5.35 पॉइंट थ्री फाइव फिलिंग द ब्लैंक्स इंस्टीट्यूट का आंसर 5.4 है क्यों बिकॉज वहां गाइडलाइंस में लिखा हुआ है वन डेसिमल प्लेस 5.35 पॉइंट थ्री फाइव इज नॉट वन डेसिमल प्लेस इवन दो इंस्टीट्यूट का भी आंसर 5.35 पॉइंट थ्री फाइव ही है लेकिन लिखना क्या था 5.4. बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट बी इन एनी एग्जाम सी एफ ए सी एम ए उसको कोई पर्सन चेक नहीं करता है वो आपका सीट कंप्यूटर में डाला जाता है और अपने आप कंप्यूटर आपका कैलकुलेशन करके बताता है तो जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वन डेसिमल प्लेस में आंसर आप लिख रहे हैं 5.35 कंप्यूटर आपको जीरो दे रहा है आप लिख रहे हैं 5.35 को 5.30 पॉइंट आप अगर 5.35 को 5.4 लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा ये एक सिंपल सीलिंग मिस्टेक है मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं कहीं से बुक से वहां पर ये गड़बड़ी किया हुआ है। एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं होता एग्जाम के पेपर में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वन डिजिट टू डिजिट दिस दैट तो आपको वैसे ही आंसर देना मे बी आपको आता है तो भी जब पार्ट ए और बी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ज्यादातर कैलकुलेशन कैलकुलेटर में ही रहने दीजिए कहीं चेष्टा मत करिए कि लिखेंगे कम से कम लिखने पे ध्यान दीजिए अगर बहुत लेंदी है जहां पर दिख रहा है कि आपको लिखे बगैर पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट भी नहीं होएगा आप उसको बाद में करिए उसको सेकेंड आवर में करेंगे फर्स्ट आवर में उस पर ध्यान मत दीजिए सेकेंड आवर में वो हो जाएगा लेकिन आप पहले फर्स्ट आवर में जो इजी मार्क्स है उसको उठाइए सेकेंड आवर में उस पर ध्यान देंगे जिसपे थोड़ा टाइम लगा के मेरे से होएगा हो जाएगा बट मैं उसको सेकेंड आवर में करूंगा लेकिन फिर भी लिखने का काम कब बिकॉज पार्ट ए पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वॉट यू आर राइटिंग आई एम नॉट कंसर्न विथ योर राइटअप पार्ट सी के अंदर थ्योरी है थ्योरी के अंदर आपको जो आता है आप चाहे ये लाइन मान लीजिए बेटर फील फॉर लोकेश आप पांच सौ बार पढ़ लीजिए तो भी ये कॉमा फुल स्टॉप सेम नहीं आएगा मेरा नहीं आएगा आपका कहां से आएगा थ्योरी को लिखना जरूरी है बिकॉज स्टूडेंट थ्योरी पे ज्यादा नंबर उठाते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल मेरा तीस साल का एक्सपीरियंस है मैंने पहले भी बोला हुआ है क्लासेस में अभी भी बोल रहा हूं थ्योरी के ऊपर नंबर ज्यादा आता है अगर आप ठीक ठाक पढ़ के आए हैं तो एग्जाम में आप इतना जोश से सोचते हैं जो कभी नहीं सोचते हैं. बिकॉज एग्जाम में यू आर जस्ट ऑन पेपर, बट जब आप ऐसे पढ़ते हैं आप चारों चीज पचास चीज सोच रहे तो एग्जाम में थ्योरी और बेटर लिख पाते हैं हम लोग अब ऑब्वियसली ग्रामर मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है फिर भी नंबर मिल जाता है लेकिन हम लिखेंगे ही नहीं तो हमें नंबर उसका कैसे मिलेगा कैसे एग्जामिनर नंबर देगा उसके लिए तो कोई लक नहीं है ना कि मेरे को बगैर लिखे नंबर मिल जाए ये संभव नहीं है लक मतलब आपने किया थोड़ा गलती हो गया लेकिन आपने जो किया वो बाय चांस मोटा मोटी ठीक है क्योंकि पढ़ के गए थे तो नंबर मिल गया ना पास हो गए लिखा ही नहीं तो नंबर कहां से उसमें लक की बात कहां से आती है लक तो वैसा नहीं होता तो कोई भी पोर्शन जो पार्ट सी के अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चंस में थ्योरी है छोड़ना नहीं छोड़ने से हम पास नहीं होंगे एक नंबर का भी पेपर छोड़ना मतलब पास नहीं होंगे यह सोचना है कि जब आप पेपर्स कर रहे हैं और कोई थ्योरी आपको नहीं आता है तो भी उसको मॉक पेपर करने के टाइम पे आंसर लिख तो सरी भाई एग्जाम में भी तो लिखना पड़ेगा ना दो लाइन तीन लाइन जो समझ में आता है जब उसके बाद मॉडल आंसर पढ़ेंगे तो वो गलत कभी होगा नहीं लेकिन आप लिखोगे ही नहीं तो वो जीवन में गलत बार बार होगा जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है आप अगर कैपिटल बजटिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल उसका रिकवरी सेल्स मटेरियल लेबर उसके ऊपर इन्फ्लेशन लगाना डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को थोड़ी ना देना है डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन कहां से आ गया अगर आप ये क्वेश्चन कॉल करके पूछ रहे हो सर डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन क्या करें इसका मतलब आपने एक चीज भी नहीं पढ़ी है क्लास में और अगर पढ़ा है तो ध्यान नहीं है तो जो प्रॉब्लम आ रही है आपको दिखा कि पेपर करने के बाद मेरे से ये कैपिटल बजटिंग खराब हुआ तो कैपिटल बजटिंग की क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार चालू किए कैपिटल बजटिंग का नोट्स खोले उसको दो तीन घंटा रिवाइज किए तभी तो ठीक होगा ना इट्स अ वेरी जनरल कॉमन सेंस कि डेप्रिसिएशन अगर आप लेस करेंगे तो पूरा का पूरा ऐड करना है डेप्रिसिएशन लेस ऐड मत करिए उसके कारण जो टैक्स बचता है उसको सोचिए लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन लेस भी कर रहे हैं फिर ऐड नहीं कर रहे हैं फिर डेप्रिसिएशन हम लेस ऐड नहीं करने के बजाय क्या कर रहे हैं हम खुद ही जानते हैं फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन मिला हुआ है हम पूरा पे डेप्रिसिएशन लगा रहे दिस इज वेरी आई मीन टू से ऐसा मिस्टेक है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते सेल्स पे इन्फ्लेशन ध्यान से पढ़ते नहीं है कि लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर का फिगर है फिर भी उस पर इन्फ्लेशन लगाए जा रहे हैं सारे साल के फिगर रॉन्ग हो जा रहे हैं तो एग्जामिनर आपको जहां पर नंबर एक एक देगा सेल पे एक नंबर मेटेरियल पे एक नंबर वो बेचारा कैसे दे क्योंकि आपका कोई भी चीज राइट नहीं है एग्जामिनर को तो आपको नंबर देना होगा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवेन बाई द इंस्टीट्यूट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर आंसर में पहले लिखा आपको भी पहले ही लिखना है जहां वर्किंग ऐसा ये तो मेरे को भी नहीं आता पहले हो सकता है मैं सेल मेटीरियल लिखूंगा बाद में इन्वेस्टमेंट लिखूंगा पहले इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल लिखूंगा बाद में लिखूंगा मेरा मर्जी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल में रिसीवेबल पीरियड इन्वेंट्री पीरियड ये सब निकालना है वो हम गलत निकाल रहे हैं इतना सिंपल है फिर भी हम आई एम नॉट एवरीबडी कैलकुलेटेड रॉन्ग बट हम वो गलत निकाल रहे हैं कोई भी वो गलती कैसे कर सकता है यार नहीं कर सकते आप वो गलती बिकॉज नहीं तो इन दैट केस आप एग्जाम में कैसे पास होगे कैसे क्लियर करोगे टेंशन नहीं लेना है एग्जाम में पास होंगे नहीं होंगे रात को सपना आ रहा है चेष्टा करिए जैसा हमने किया वैसा हमें अवार्ड मिलेगा लेकिन जैसा हमने किया उसमें तो हम बेस्ट परफॉर्म करें अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए पार्ट सी में थ्योरी नहीं आता है पे रेशियो के बारे में है वैल्यूएशन के बारे में है मार्केट इफिशियंसी के बारे में है कोई भी एरिया हो सकता है नहीं आता छोड़ के क्या होएगा क्लास में पढ़े थे कुछ पढ़े थे जो आता है लिखना यार टाइम को देखकर एकदम फटाफट पूरा पेपर कर किया पास कि नहीं देखते हैं 95 फाइव परसेंट से ऊपर चांस है पास होने का अगर पूरा सौ नंबर करके आते ध्यान से फोकस लगा के पहले ये करना है बाद में ये करना है पेपर को एकदम वैसे मैनेज करके बिकॉज हर वो अच्छा आदमी जो अच्छे से पढ़ रहा है वो एग्जाम पास होगा इसका कोई गारंटी नहीं और हर वो स्टूडेंट जो उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा लेकिन एग्जाम में फेल होगा इसका कोई गारंटी नहीं पूरा का पूरा दारोमदार है आप तीन घंटा में क्या करने वाले हो थोड़ा सा लक चाहिए कि आप पूरा पेपर कंप्लीट प्रॉपरली कर पाओ लेकिन बगैर करे तो नंबर नहीं मिलना है ना नंबर तो पेपर में लिखने से ही मिलेगा तो अभी जो दो तीन दिन बाकी है सभी के लिए एडवाइस है कि आप एक पेपर इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाकर फिर से सॉल्व करिए स्टूडेंट लोग कोई एफआर का एग्जाम दे रहा है कोई पीएम का एग्जाम दे रहा है कोई किसका दे रहा है मैं बोल दिया प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे पेपर करो बताया स्टूडेंट डाउट कैसे भेज रहे दिन में कम से कम पचास डाउट आता है सबका आंसर दे रहा हूं मैं ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट वो लोग नहीं पढ़ रहे तो डाउट नहीं दे रहे लेकिन मान लीजिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके पेपर कर रहे एक क्वेश्चन जिसमें आंसर आपका नहीं मिल रहा है खाली क्वेश्चन भेज दिया अपना आंसर दिया ही नहीं कोई कोई ने इंस्टीट्यूट का आंसर दे दिया अपना आंसर अभी भी नहीं दिया इसका मतलब स्टूडेंट क्या कर रहे है? क्या कर रहे है वो वो क्वेश्चन देखा आंसर देख रहे है। तो क्या एग्जाम में पास होने के लिए ये करना है क्या क्वेश्चन देखना है आंसर देखना है ये करना है अरे भाई इतना दिन से तो ये कर रहे हैं अब तो सुधर जा भाई लास्ट में मैं बोले जा रहा हूं भाई आपने क्या किया थोड़ा वो भी दिखाओ ना जिससे मैं उसको बेटर हेल्प कर पाऊं उसके दिमाग में प्रॉब्लम कहां है वो समझा पाऊं जवाब नहीं है। ठीक है भाई हम तो जवाब दे दें कि भाई ये ऐसा बोल है ये कर है आप अपना आंसर क्यों नहीं देते दूसरा जब आप मॉक पेपर कर रहे हैं तो आप टाइम को देख ही नहीं रहे आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर देके जा रहे आपको टाइम से कोई मतलब नहीं है एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एग्जाम में दुनिया का कि टाइम पे कंप्लीट पेपर होता है कि नहीं आप कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस टेस्ट खोले आप उसको एक घंटा डेढ़ घंटा किए बंद कर दिए ठीक है, है लेकिन ऐसे सारा करने से नहीं होएगा दो या तीन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे तीन घंटा में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और एज एन एग्जामिनर बन के उसका मॉडल आंसर से मार्किंग गाइडलाइन से अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो होएगा नहीं तो आप मेरे को जब क्वेश्चन रेस कर रहे हैं क्वेश्चन आपका आंसर इंस्टीट्यूट का आंसर तीनों दीजिए जिससे कि मैं आपको बेटर वे में हेल्प कर पाऊं स्टूडेंट फोन करता है सर चार प्रोजेक्ट है चारों का कॉम्बिनेशन में बोला है कि सर कौन सा प्रोजेक्ट करना है मैंने दो सॉल्यूशन दिखाया है कि सर चार में से ये करेंगे या चार में से ये करेंगे मेरा आंसर उनसे मिल रहा है लेकिन सर उन लोगों ने दो सॉल्यूशन नहीं दिखाया उन लोगों ने एक ही सॉल्यूशन दिखाया है और उनका वो आंसर आ गया सर क्या करूं मैं इसका जवाब कैसे दू हाउ आई विल गिव यू आंसर मेरे पास आपने क्वेश्चन नहीं दिया मेरे पास आपने अपना आंसर नहीं दिया मेरे पास आपने इंस्टीट्यूट का आंसर नहीं दिया मैं आपको कैसे हेल्प करूं आपने मैसेज किया, किया मैं आपको क्या बोलू मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जहां पर दोनों कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है फिर आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं ठीक है उसके बाद आपने भेजा भेजने से मैंने आपको बताया कि भाई दो प्रोजेक्ट है जिसको लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से कोई एक होगा अब आपका क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कैपिटल इज रासेंट पैसे की कमी है तो हम सारे प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे उसके बाद उस, उसमें है वी कैन डू पार्सियल इन्वेस्टमेंट अगर एक लाख है तो हम एटी थाउजेंड इन्वेस्ट कर पाएंगे इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे डिसीजन लेना है और सी और ई e दो प्रोजेक्ट है जो नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सो so सी का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो ई e से ज्यादा है मतलब एक डॉलर अगर सी में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे एज कंपेयर टू ई तो मैं अगर दो आंसर दे रहा हूं एक सी को लेकर कॉम्बिनेशन और एक ई e को लेकर ज्यादा तो सी वाला ही आना है बिकॉज सी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है तो मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना ये मेरे को आंसर देखकर समझ में आना चाहिए लेकिन केवल ये से नहीं होएगा क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है फिर भी आप कॉलम बना रहे हो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एनपीबी दिस दैट जो कि एक्स्ट्रा लिख रहे हो जो दिख रहा है कि आप इतना ज्यादा राइटिंग कर रहे हो जो जरूरत नहीं है तो आप मॉडल आंसर देखकर यह भी ध्यान दीजिए कि भाई क्या चीज नहीं लिखने से चलेगा क्या चीज में जबरदस्ती का एक्स्ट्रा डाल रहा हूं जिससे कि मेरा टाइम बचे बिकॉज एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अलॉन्ग नॉलेज टाइम सबको बेसी लगता है कि यार तीन घंटा में कैसे होएगा बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट को तो मेरे को तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना होएगा ना लेकिन आप मेरे को हेल्प नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे हेल्प करूं कैसे मैं आपको हेल्प करूं अभी मेरे को और ज्यादा नहीं बोलना है मेरे को केवल दो तीन बात ही बोलना है पूरा पेपर करके आएंगे पेपर में फर्स्ट वन आवर वो चीज करेंगे जो सबसे सिंपल है आपके लिए सेकेंड आवर में जो सिंपल नहीं है डिफिकल्ट है लेकिन आप मैनेज कर पाएंगे थर्ड आवर में जो बाकी है थर्ड आवर में लास्ट टेन मिनट्स फाइव टू टेन मिनट्स कोई और दिमाग नहीं लगाएंगे जहां कहीं भी जो जो बाकी है उनको फटाफट कंप्लीट करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जय माता दी जो आंसर आए जय अल्लाह जो भी आपका धर्म है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस चुपचाप से बिकॉज वहां दिमाग अब नहीं लगेगा जो थ्योरी है जो मन में आता है दो तीन लाइन चार लाइन जो आपके पास टाइम है लिख के आएंगे हो सकता है कि उससे आपका वो दस मिनट जो भी आपने लास्ट में दस मिनट में किया जीरो आए बट मेरा विश्वास है मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी स्टूडेंट वो दस मिनट अगर ये करता है उसका उस दस मिनट में दो तीन नंबर एक्स्ट्रा आता है तो अगर आप फोर्टी सेवन फोर्टी एट पे खड़े हैं पास हो जाएंगे अगर आप 90s में खड़े हैं तो आप नाइन्टी टू थ्री स्कोर कर पाएंगे और अगर आप थर्टी फाइव थर्टी के पास खड़े हैं पास तो नहीं होएंगे, लेकिन आपका दो तीन नंबर जरूर ज्यादा आएगा इसको एग्जाम टेक्निक बोलते हैं तो एग्जाम टेक्निक अगर फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जाम का रिजल्ट बढ़िया कैसे होएगा? वो तो हो नहीं सकता है। ये बात हम लोग सब जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते तो फॉलो तो करना होगा ना खाली जानने से कैसे होएगा वी नीड टू फॉलो व्हाट इज द एग्जाम करेक्ट टेक्निक अदरवाइज वी कांट पास द एग्जाम एंड हाथ जोड़कर विनती है अगर आपके पास कोई भी प्रिंट आउट है कोई भी मेटेरियल का अभी तुरंत क्लास में उठकर खड़ा होकर विंडो से फेंक दीजिए उसको आपके पास कोई भी मेटेरियल का प्रिंट आउट है दुनिया में किसी भी मेटेरियल का मत पढ़िए वैसे जब एग्जाम है स्क्रीन पे चीज को पढ़ना अलग लगता है कॉपी में पढ़ना बुक में पढ़ना अलग लगता है पेज में आपके पास पेन पेपर है अपने पढ़ने के जगह में पेन पेपर विंडो से फेंक दीजिए मत उसको यूज करिए चीज मैं कैसे समझाऊं एग्जाम में इससे पांच नंबर कम से कम बेसी आएगा बिकॉज जब आप अपना हैबिट बनाओगे ऑन स्क्रीन स्टडी तो एग्जाम में यू विल फील मोर कंफर्ट मच कंफर्ट इन राइटिंग द आंसर रीडिंग ऑन द स्क्रीन दैट मन आई मीन टू से आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेल यू हाउ हैबिट जिसका जो हैबिट है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है तो जब आपका हैबिट चेंज ही नहीं हो रहा और एग्जाम में वो एकदम गड़बड़ है तो वो तो एग्जाम को अफेक्ट करेगा ना रिजल्ट आपका आप सोचोगे सर कहां लिखेंगे क्या अरे यार लिखना ही नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चेष्टा करनी है ज्यादा से ज्यादा चीज कैलकुलेटर में हो जाए जो थ्योरी वाला उसमें कुछ लिखना ही नहीं है हो सकता है कि कोई पार्ट ए पार्ट बी में तीस क्वेश्चन है दो में कुछ लिखना पड़े लेकिन आप अगर पेन पेपर से लिखकर सम्स करते हो आप तो तीसों का तीसों कुछ ना कुछ लिखना चाहते हो टाइम लगता है खराब होता है वो नहीं करें प्लीज रिक्वेस्ट है कि पहली क्लास से एक ही बात बोल बोलकर आखिरी क्लास में भी वो बोलना पड़ता है कि भाई ये कर तो उसको कैसे हेल्प करें